कठिन है, घोर कठिन है। बिना महिलाओं के जीवन यापन करना कठिन है। गुरु जी अवश्य ही आपको मंदाकिनी देवी का विरह सता रहा होगा, है ना? हाँ गुरु जी। मूर्ख कहीं के कुछ भी बोलते हो। अरे हम तो इसलिए चिंतित हैं, हमारी पुत्री आम्रपाली भी विलुप्त है। एक बात तो सत्य है, महारानी जी हमारे बच्चों का कितना भी ध्यान रख ले, किंतु माँ तो माँ ही होती है ना। माँ तो माँ ही होती है। बच्चे तो बच्चे, मेरे वृद्ध पिताजी की सेवा मेरी पत्नी ही करती थी, अब उनका क्या होगा? कुछ तो विचार विमर्श करना होगा, मंत्रणा करनी होगी और इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। रामा लोहा गरम है, मार दे थोड़ा। रामा जी ये कैसी स्थिति हो गई आपकी? अरे मेरी पत्नी भी तो नहीं मिल रही है ना, घर के कार्य कर करके परेशान हो चुका हूँ। एक कार्य समाप्त करता हूँ तो दूसरा मस्तक उठाए खड़ा हो जाता है। अच्छा हो रहा है इनके साथ, बहुत अच्छा हो रहा है। अरे गुरुवर ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है और आप इस वृक्ष के नीचे पंचायत लगाए बैठे हैं। अच्छा ये पंचायत, हम पंचायत कर रहे हैं। अरे पंडित रामाकृष्णा हम समस्या का निदान कर रहे हैं। वो ऐसे प्राप्त नहीं होगा भाइयों, जो पाप हम लोगों से हुआ है ना उसी का दंड भुगत रहे हैं हम लोग। देवी माँ क्रोधित हैं क्योंकि विजयनगर की महिलाओं का अपमान हुआ है। महिलाओं के अपमान का अर्थ है देवी माँ का अपमान, अतः अब हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा। हाँ गुरु जी अधिक सोचिए विचारिए मत, ये समय आपके ज्ञान चक्षु खोलने का है। खोलिए ज्ञान चक्षु और धन अर्जित करने का इससे सुनहरा अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ गुरु जी, पूजा पाठ हवन अनुष्ठान के बहाने राजकोष से अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है। मन चाह धन प्राप्त कीजिए गुरु जी। सत्य कहा तुम दोनों ने। भाइयों ये पंडित रामाकृष्णा ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। कल रात्रि भगवान शिव स्वयं हमारे स्वप्न में आए और हमें कहा उन्होंने कि तथाचार्य रुष्ट देवी को मनाने के लिए तुम्हें हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, तो हम करेंगे। इससे कोई लाभ नहीं होगा गुरुवर, देवी माँ हम लोगों से नहीं मानेंगी क्योंकि हम सब पापी हैं। अब तो विजयनगर की देवी समान महिलाओं के मनाने से ही देवी माँ मानेंगी, किंतु विजयनगर में और कोई महिला तो बची नहीं है जो ये कार्य कर सके। है एक महिला है महारानी, परंतु कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि महारानी देवी समान नहीं है? ना, महारानी तो बहुत अच्छी है और विजयनगर की महारानी स्वयं पूजा पाठ करेंगी, यज्ञ करेंगी, इससे अच्छा और क्या होगा। तो ठीक है, जो भी पूजा अर्चना करवानी है वो महारानी के हाथों ही करवानी होगी, है ना? धन्यवाद गुरुवर, आप सदैव अनजाने में ही सही किंतु मेरी और विजयनगर की सहायता का द्वार खोल ही देते हैं। मेरे पति तो अस्वस्थ है, बताइए नहीं रुक सकते। एक काम करिए आप लोग मेरे संग चलिए, चलिए आइए मेरे साथ, चलिए चलिए। रुक जाइए, मात्र सिर्फ आप कुछ महिलाएं ही क्यों जा रही हैं? सभी महिलाओं को अपने संग ले जाइए ना। चारुलता का कथन सर्वमान्य और उचित है, किंतु कोई भी क्रांति बिना आंदोलन के नहीं होती, और अगर आज इस क्रांति की मशाल को हमने बुझने दिया तो आने वाली पीढ़ी के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा और उसके उत्तरदायी आप सब होंगे। आने वाली पीढ़ी कौन है? हमारी बेटियां, हमारी बेटियों की बेटियां,
उनकी बेटियां, जिसे ये समाज हमेशा पुरुषों के अधीन ही रखेगा, जिसे ये समाज शिक्षा का अधिकार नहीं देगा, जिसे ये समाज आत्मसम्मान का अधिकार नहीं देगा, जैसे आप लोगों को अब तक आपके अधिकारों से वंचित रखा है। निर्णय अब आपके हाथ में कि आपको आने वाली पीढ़ी की हथेली पे उनका भविष्य क्या लिखना है। माँ कहती है ज्वर का उपचार करने के लिए कड़वी औषधि खानी पड़ती है। हम हमारे भ्राता के साथ पूरा दिन खेलते, उससे दूर रहना हमारे लिए उसी कड़वी औषधि के समान है। इस समय तो दूर ही रहेंगे क्योंकि हमें हमारे हाथ में पुस्तक चाहिए। देखा आपने, ये नन्ही सी बालिका इस क्रांति की मशाल को बुझने नहीं देना चाहती। देखिए, मुझे ज्ञात है कि आप सभी को अपने पतियों की बहुत चिंता है, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखिए, यदि आज आप अपने आत्मसम्मान का युद्ध लड़ेंगी तो ही कल आपकी संतान के लिए आप प्रेरणा बनेंगी। बीवियों, मेरे बापू पंडित रामकृष्णा ने कभी भी विजयनगर का अहित नहीं चाहा है, और आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। मेरे बापू न केवल आपकी संतानों अपितु आपके पतियों आपके पिताओं का भी संपूर्ण ध्यान रख रहे हैं, इसलिए कृपा करके इस लड़ाई में उनका साथ दीजिए। ये सब देखने और सुनने के बाद अगर आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, इस लड़ाई में हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे। चारुलता देवी, आपने जो अग्नि भड़काई थी वह तो शांत हो गई, कृपया पुनः अग्नि लगाएं। आइए। शांत हो जाओ। ये लोहा क्या हुआ? आप घोड़ा बनिए ना, तलवारबाजी में आनंद नहीं आ रहा है। अरे अरे छोड़ो हमें, अरे 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 देखो, तलवारबाजी सीखना जरूरी होता है। हमने कहा ना, उदंडता मत करो, शांत हो जाओ, सुनते क्यों नहीं हो? यानी माँ, पंडित रामकृष्णा जी कहते हैं कि बच्चों को डांटने से या मारने से कभी नहीं सुधारते, प्यार से सुधारते। मित्रों, यदि तुम्हें तीव्र ध्वनि से चिल्लाना है और खूब उछल कूद करनी है तो यहाँ नहीं, बाहर बगीचे में करो, बहुत आनंद आएगा। देखा रानी माँ, पंडित रामकृष्ण भी बहुत माने, वो जो कहते सत्य कहते, उन्होंने ही मुझे ये सिखाया था। अच्छा, फिर तो पंडित रामकृष्ण जी की जय जयकार होनी चाहिए। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, हम आपसे कुछ विनती करने आए हैं, अब आप ही हैं जो हमें इस घोर संकट से उबार सकती हैं। देखिए पंडित रामकृष्ण जी, यदि आप फिर से वही निरर्थक बातें करने आए हैं तो। नहीं महारानी जी, कृपया शांत मन से हमारी बात सुने, हम समस्या का समाधान लेकर आए हैं। गुरुवर, महारानी, इस समस्या का हल हमने निकाला है। वैसे भी हमसे मंत्रणा के बिना पंडित रामकृष्ण कुछ कर ही कहां पाते हैं। आश्चर्य की बात है गुरुजी, किंतु सारे उपाय तो आप पंडित रामकृष्ण से ही पूछते रहते हैं। और महारानी जी के सामने झूठ बोल रहे हैं। गधे कहीं के, ये वानरों की भांति बीच में कूदा मत करो। आपके पास यदि कोई उपाय है तो हमें बताइए, हमारे पास समय नहीं है, हमें उन बालकों को भी संभालना है। क्या हल निकाला है आपने गुरुवर? बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विजयनगर की महिलाओं का यूं विलुप्त होना और मंदिर से माता की प्रतिमाओं का विलुप्त हो जाना, ये मात्र संयोग नहीं है और ना ही किसी की उदंडता है,
देवी माँ के यूं रुष्ट हो जाने की बात सत्य है और देवी माँ ने ही विजयनगर की महिलाओं को विलुप्त किया है और अब हमारी महारानी से सहयोग की आकांक्षा है। यदि आप जैसी पवित्र महिला देवी माँ की पूजा आराधना करेंगी तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और समस्त महिलाओं को लौटा देंगी और स्वयं मंदिर में जाकर पुनः विराजमान हो जाएंगी। सत्य कहिएगा, समस्या का ये हल किसने निकाला? हमने महारानी, हमने और किसने, हमसे अधिक बुद्धिमान विजयनगर में और कोई हो ही नहीं सकता है। निसंदेह गुरुवर, निसंदेह। यदि आप विजयनगर के राजगुरु नहीं होते ना तो आपको हम इतना कठोर दंड देते जो आप स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। महारानी, हमारी बात समाप्त नहीं हुई। विजयनगर जैसे विजयशील राज्य के राजगुरु होते हुए ऐसे ऐसे अंधविश्वास वाली बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? विजयनगर की महिलाएं विलुप्त हो गई है, आपको उनके खोजने के विषय में कोई योजना बनानी चाहिए थी, उसे हमारे समक्ष रखना चाहिए था, ना कि देवी माँ के रुष्ट होने वाली ये झूठी कहानी बनाकर। जाइए, जाकर विजयनगर की महिलाओं को खोजने का उपाय सोचिए, कोई उचित उपाय मिले तो ही हमारे समक्ष आइएगा, अन्यथा। जी। ए बंधु। अरे तू क्यों चौंक रहा है रामा? अच्छा अवसर है, तू कर लेना पूजा, तेरी और प्रशंसा होगी। नहीं बंधु, ये महत्वपूर्ण है कि प्रजा महारानी के पद का सम्मान करे। करने को तो ये पूजा कोई भी कर सकता है, तो राजपद की गरिमा टूटनी नहीं चाहिए। प्रजा के मन में अपने शासक के प्रति सदा सम्मान होना ही चाहिए। और अब ये आवश्यक हो गया है कि विजयनगर की शासिका महारानी सुलक्षणा देवी को पाठ पढ़ाया जाए, अन्यथा शीघ्र ही अन्याय और अनीति इस राज्य को घेर लेंगे। तो गई नहीं बंधु, वो कहीं नहीं जा सकती। पंडित रामाकृष्णा जी, क्या विचार कर रहे हैं आप? गुरुवर जी, चलिए, आपने सुना ना महारानी जी ने क्या कहा, अब चलकर प्रजा को तो बताना ही होगा कि उनकी महारानी उनकी पत्नियों को वापस आने के विषय में क्या सोचती हैं। ना अच्छा होता यदि महारानी जी प्रजा के हृदय की बात सुनती और मान लेती। अब ज्ञात नहीं कब तक पुरुषों को अपनी पत्नियों के बिना और बच्चों को अपनी माताओं के बिना जीना होगा। महारानी, आपने क्या किया? वही किया जो उचित था। आपने अपने शत्रु के हाथ में तलवार सौंप दी है। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा की यह मान्यता है, जो कि पंडित रामाकृष्णा ने ही उनके भीतर डाली है, कि यदि आप देवी माँ की आराधना करेंगी तो उनकी पत्नियां उनके बच्चों की माताएं वापस आ सकती हैं। किंतु अब जब वो प्रजा से ये कहेगा कि आपने इस कार्य को करने से मना कर दिया है, प्रजा के हृदय में आपके प्रति रोष उत्पन्न होगा और प्रजा को यह लगेगा कि आप उनकी पत्नियों को वापस लाने के मार्ग में बाधक बन रही हैं।
आप महारानी है। विजयनगर की प्रजा के हृदय में आपके प्रति सम्मान होना ही चाहिए, किंतु पंडित रामकृष्ण प्रजा को आपके विरुद्ध भड़काने में कोई कमी नहीं रखेगा। और वैसे भी स्त्रियों के बिना पुरुषों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अब ऐसे में पंडित रामकृष्ण इस अवसर का लाभ उठाए, उससे पहले असली खेल आप खेलिए। आप स्वयं ये घोषणा करवाइए कि देवी मां को प्रसन्न करने हेतु विजयनगर की सभी स्त्रियों को वापस लाने हेतु आप देवी मां की आराधना करेंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई मार्ग नहीं बचा है महाराज। और रही बात पंडित रामकृष्ण की, उनके विषय में भी विचार किया जाएगा। आप क्या विचार कर रही हैं महारानी? दरबार बुलवाई। पंडित रामकृष्ण, एक बात बताइए, सच बताइएगा, ये जो महारानी ने दरबार बुलवाया है ये किसने बुलवाया होगा? कहीं हमें दंड देने की ये तो नहीं? संभव है गुरुवर, कुछ भी संभव हो सकता है। अरे आप तो चुप ही रहिए पंडित रामकृष्ण, ना जाने कहां से ये मूर्खतापूर्ण विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं और हमें फंसवा देते हैं। गुरुजी आप तो चिंतित होइए ही मत, आपके धनी मनी है ना, आपके बंदी गृह में जाने के पश्चात हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। हाँ। अपनी चोंच बंद रखा करो मूर्खो। विजयनगर की महारानी सुलक्षणा देवी युवराज स्वामी के संग पधार रही है। महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की, 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 महारानी सुलक्षणा देवी की। महारानी कुछ फरियादी पुनः अपनी फरियाद लेकर आए। प्रणाम महारानी। महारानी जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप करना है। मेरी पुत्री अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो ठीक है, मैं उसे शिक्षा दिलाऊंगा, किंतु एक बार वो घर वापस आ जाए अपनी पत्नी का भी सम्मान करूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। हाँ मैं भी अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, मुझसे जो भूल हुई है, जो हमने अपने गृह लक्ष्मी का अपमान किया। महारानी जी मैं आपको विवाह पूर्व वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को उसके समस्त अधिकार दूंगा, उससे प्रेम करूंगा एवं उसका सम्मान करूंगा। महारानी जी बिना देवी के मंदिर सूना है, देवी को प्रसन्न करना ही होगा तभी वो मंदिर लौटेंगे। शांत हो जाइए। राजगुरु जी। जी 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 महारानी। महारानी हम आपको बताने वाले थे महारानी, किंतु आप चली गई। जी हम आपको बताने वाले थे कि ये देवी माँ की पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न करने का जो विचार है वो हमारा नहीं था, पंडित रामकृष्ण का था। पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क की उपज थी। अब जो भी दंड आपको देना है पंडित रामकृष्ण को दीजिए। पंडित रामकृष्ण को दंड तो मिलेगा, इतना कठिन दंड मिलेगा जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंडित रामकृष्ण जी हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना सुंदर प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। हम आपके सुझाव को मानते हैं, उसे उचित समझते हैं।
कि महिलाओं को मान सम्मान घर या समाज नहीं अपितु हर स्थान में मिलना चाहिए। ये क्या हो गया? आज हम राज दरबार में एक घोषणा करना चाहते हैं कि विजयनगर की महिलाओं और मंदिर की देवियों को वापस लाने के लिए हम स्वयं देवी माँ की पूजा आराधना करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस पूजा से देवी माँ प्रसन्न हो और विजयनगर पे ये जो संकट आया है ये टल जाएगा और विजयनगर की समस्त औरतें वापस लौट आएंगी, है ना पंडित रामकृष्णा जी? अवश्य महारानी जी, देवी माँ करे आपका कथन सत्य हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। महारानी सुलक्षणा देवी की जय। देखा महारानी, सत्य कहा था ना मैंने। सुन रही हैं ना आप अपनी जय जयकार की जय ध्वनि। ये जय जयकार नहीं अपितु पंडित रामकृष्णा द्वारा हमारी पराजय है। ये मात्र पराजय नहीं अपितु आपके बुरे उद्देश्य का अंत है।